हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम बड़े गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए थे, गया कहाँ पर गए थे, गया में उन्होंने पितृपिंड को उन्होंने अर्पण किया है, इसलिए इस विषय पर हम लोग श्रवण कर रहे थे। कहते जब उनको लगता है इनका उद्धार नहीं हुआ है तभी कोई ये पितृपिंड देने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं श्री नंद बाबा हैं, कहते श्री जगन्नाथ मिश्र है, ये तो भगवान की नित्य परिकर है। फिर इन्होंने इनके उद्देश्य में उन्होंने पिंड क्यों दिया है, कारण किया, इसलिए गतकल हम लोग ने श्रवण किया था, क्यों दिया। इसलिए यहाँ पर ये शिक्षा देने के लिए वहां पर पहले जो बौद्ध मत है, हैं? जो और श्री चार बाग, एक बौद्ध मत और मत और एक चार बाग, कहती जो दो मत है, हैं? जो शून्य मत को मानने वाले और जो नास्तिकवाद है, पहले वहां पर उनका उत्पात था, प्रबल था वहां पर, इसलिए महाप्रभु ये दोनों मत को खंडन करने के लिए नहीं, आत्मा नाम का कोई चीज एक है, भगवान भी कोई है, जीव अपना अपना कर्म का अनुरूप जीव फल भोग करता है, इसलिए ये ईश्वरता को स्थापन करने के लिए जीव बोल कर कोई है, ये चीज को स्थापन करने के लिए महाप्रभु गए और उनने शिक्षा दिया है लोगों को, जानी चाहिए गया में, जानी चाहिए, यद्यपि ये कर्म कांड है, हैं? लेकिन हम लोग तो श्री भक्ति को मानने वाले हैं, लेकिन महाप्रभु कर्मकांड को स्थापन किया है, कभी ये वैष्णव लोगों को नहीं देनी चाहिए, वैष्णव लोगों को पिंड देनी नहीं चाहिए, बोले क्यों नहीं देनी चाहिए, बोले कारण है जो भगवान की भक्ति करते हैं, एक व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करे तो कहते उनको जो उत्तम अधिकारी है उनकी एक बड़ी उधार हो जाते हैं, जो मध्यम अधिकारी उनको 14 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी उनको 7 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, इसलिए जो भक्ति करने वाले उनको पिंड देने का कोई जरूरत नहीं, पिंड उनके लिए दिए जाती हैं जिनको विश्वास नहीं है कि हमारे पिता माता को उधार हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं नरक में तो भोग नहीं कर रहे हैं, नरक तो भोग नहीं कर रहे हैं पिता माता, इसलिए वो लोग जाकर कि उनका थोड़ी सी पाप नष्ट हो जाए, उनको नरक से मुक्ति मिल जाए, इसलिए लोग जा करके पिंड देते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो
उनको पिता माता तो पहले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरि साम जैसाम कुले वैष्णव नाम देव। कुल में एक बेटा अगर भगवान की भक्ति करे तो क्या हो जाता है, पर इनको कुल धन्य हो जाता है। पिति माती तो पिता माता दोनों ही उनके उद्धार हो जाते हैं। नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरि साम जो पूर्वज लोग नाच उठते हैं हमारे अहोभाग्य हमारे वंश में एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करने वाले एक वैष्णव जन्म ग्रहण किया है, है? एक वैष्णव ग्रहण जन्म ग्रहण किया है, इसलिए उनको ये पिंड पिंड देने का कोई जरूरत नहीं। वैष्णव का पिंड कभी नहीं देनी चाहिए। जिनको विश्वास नहीं है भक्ति में वो लोग जाकर के पिंड देते हैं। इसलिए महाप्रभु ने लोक शिक्षा के लिए एकदम कर्म कांड को एकदम बात महाप्रभु ने नहीं दिया है, कर्म कांड को एकदम बात नहीं दे दिया, क्योंकि जो जीव है वो एक साथ में वैष्णव नहीं बन सकते हैं। एक साथ में जीव शुद्ध वैष्णव नहीं बन सकते हैं। जीव धीरे 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 भक्ति मार्ग में उन्नत तो होते हैं, एक साथ में नहीं है। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जिस समय महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न करते हैं कह राय साध्यर निर्णय, तो राय रामानंद क्या कहते हैं, बोले स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। जो जिस वर्ण और जिस आश्रम में जन्म ग्रहण किया है, हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य और गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, जो जिस वर्ण और जिस आश्रम में जन्म हुए हैं कद क्या करनी चाहिए, उसी आश्रम वर्ण के जो ठीक ठीक रूप में जाजन करते हैं उसको क्या होता है, उसको विष्णु भक्ति प्राप्त होता है। महाप्रभु ने एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर दिया, महाप्रभु उनको नेग्लेक्ट धीरे धीरे वर्ण आश्रम को जाजन करनी चाहिए। क्यों, यही सही भक्ति की शुरुआत है। अगर कोई वर्ण आश्रम धर्म जाजन नहीं करे, भ्रष्टाचार जीवन है, शादी वादी नहीं करके जिसको इच्छा है उसको लेकर घूमता है, हैं? अपना वर्ण आश्रम को, क्योंकि भक्ति एक उत्पटन का रास्ता नहीं है, हैं? इसलिए कहते हैं इसलिए पहले उसको वर्ण आश्रम की जाजन करनी चाहिए। इसको करने पर क्या होता है, धीरे 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 जीव धीरे 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 भक्ति मार्ग में धीरे धीरे चल सकता है, हैं? इसलिए लेकिन महाप्रभु ने क्या बोल दिया, यह बाह्य और आगे कह आर, ये ठीक है लेकिन उसको और ऊपर हो तो और कुछ बात बताओ, हैं? बोले इसको महाप्रभु ने बाह्य क्यों बताया, बाह्य क्यों बता दिया, बताओ क्यों बाह्य बता, बाह्य क्यों बता दिया, यह बाह्य आगे कहा, इसलिए महाप्रभु इसलिए उनको बाह्य बताए, लेकिन यही से तो शुरू होता है, इसलिए बाह्य बताए। अगर कोई अपना वर्ण आश्रम धर्म को अगर 100 जन्म तक अगर कोई 100 जन्म तक अगर सही सही कोई करे ना, फिर उसका फल क्या है कि तो उसको ये ब्रह्म पद की प्राप्त होता है। सही सही अगर कोई करे, इतना आसान भी नहीं वर्ण आश्रम धर्म को सही सही करना। अगर कोई कठोर पूर्वक करता तो उसको क्या मिलता है, ब्रह्म पद की उसके प्राप्त होता है। लेकिन कहते तो भैया आप ब्रह्म भुवना लोकात पुनरा वर्तिन अर्जुन, वहां तक जाने पर भी खिन्न पुण्य मर्त लोकम, पुण्य खत्म होते ही उसको फिर इसी जगत में फिर उसको आना पड़ेगा, है यहीं पर आकर के जन्म मृत्यु का चक्कर में उसको भटकना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु ने बोल दिया भैया यह बाह्य आगे कहा, ये बाहर का विषय है और आगे की बात बताओ, है फिर उसको धीरे 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 इन्होंने आगे की बात बताए, बताते बताते फिर महाप्रभु यह बाह्य बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, बोले ये भी बाह्य है। उसको बाद में करते 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 जब उन्होंने बताया ज्ञान प्रयास मुदुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ताम, बोला स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोवी जे प्रायस अजीत अपि स्त्रैलोक्यम। लेकिन जब यहाँ पर आए ना महाप्रभु, यह है महाप्रभु यहीं पर आकर कह देते हैं अभी तुमने सही रास्ता पर आ गया, लेकिन उसको पहले तक क्या बता रहे थे,
यह बाह्य, यह बाह्य, ये बाहर का विषय, ये बाहर, आगे कहार है, आगे कहार। लेकिन इसी श्लोक में क्या बोल दे, यह है, यह है। अभी तुमने लाइन में आई, बोले क्यों क्यों बताई यह है, क्यों बोल दी, इसमें क्या ऐसी बात है। बोले भैया अभी तुम सही लाइन में आए हो, किस लिए, किस लिए, इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इसमें साधु संघ की महिमा बताए हैं, इसमें साधु संघ की महिमा, इसमें साधु संघ की महिमा, इसमें इस पर, इसलिए बोले स्थाने स्थिताम श्रुति गतांग तन्नो बांग मनोवी, कहते काय मन वाक्य को जरा क्या करो, सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ताम, साधु से भगवान की भक्त और भगवान की कथा सुन, क्योंकि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ, कृष्ण भक्ति का जो जन्म और मूल है वो साधु संघ है, है? इसलिए महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना आए कहीं। जब तक किसी साधु का कृपा नहीं होता है ना, है किसी तरह से जीव का कोई कल्याण है नहीं। इसलिए बाह्य बाह्य बोलते हुए जब उनने साधु संघ की बात बताई, साधु संघ से हरि कथा सुनो, भगवान जिस स्थान पर रखे, स्थान स्थिता मतलब, तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं भले भक्ति जो भजन कहाँ पर करे, भले स्थान स्थिता, इसका दो अर्थ होता है। एक अर्थ है भगवान जिस अवस्था में हमें रखे हैं उसी अवस्था में रहते हुए भजन करो। कोई कोई कहते हैं ना भगवान की भक्ति करो भजन करो, बोले अभी समय नहीं है, अभी बच्चे अभी छोटे हैं, अभी इनको शादीशुदा कर दे, अभी लिखा पढ़ा करके शादीशुदा जो हो जाएगा ना, हैं इनको सारे जब काम निपट जाएगा फिर भक्ति करेंगे। बोले काम निपटेगा, बोले खुद निपट जाओगे, काम क्या निपटाओगे, हैं अभी तक तो दुनिया में कोई काम निपटा पाए, दुनिया में किसका काम खत्म हुआ है, हैं? जैसे मकड़ जैसे जाल बनाते 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 थे, ऐसे जाल बनाता है ना, लास्ट में उसमें ही फंस कर खत्म हो जाता, उसमें जान चली जाती है। ये संसार ऐसे है, सोचते हैं बेटा का शादी हो जाएगा ना तब भजन करेंगे, जब बेटा का शादी हो गया, उसको पहले कहीं सत्संग भजन कर लेती थी, लेकिन जब शादी हो गया ना घर में बहू आगे बोले डोकरी घूमते रहती है, बुढ़िया घूमती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, बच्चे कौन देखेगा, हैं कोई काम धाम है ही नहीं, जब देखो माला लेकर बैठ जाती है, फिर बहू ताना मारेगी, फिर तुमको बहू ताना मारेगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया जिस अवस्था में भगवान तुम रखे है ना उसको जीवन का सबसे बढ़िया स्थिति समझो, इससे बढ़िया स्थिति आगे कभी आ ही नहीं सकती है। बढ़िया स्थिति तभी आएगी जब भजन करेंगे, बगैर भक्ति के कोई सोचे आगे कोई बढ़िया स्थिति आ जाए कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, है? इसलिए ये एक दूसरा अर्थ है स्थाने स्थिताम, बोले कहाँ रह करके भक्ति करे। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात होता है, कहाँ रह करके भक्ति करे, बोले स्थाने स्थिताम, स्थाने स्थिताम मतलब सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ताम, वहीं पर रहो जहां पर तुम्हारी भक्तों की मुखार बिंद से कृष्ण कथारूपी मंदाकिनी की नदी जहां पर बह रही है। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं भैया ज्यादा इधर उधर मत घुमा करो, हैं? इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं हे मन तुम्हें तीर्थ सदा रहतो, हे मन तुम क्या चाहते हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब उनने श्री ईश्वरपुरी पाद से मिले तो महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार जत क्षण देखिला चरण तुम्हार, कहते आज मेरी गया आना सार्थकता हो गया। बोले कब सार्थकता हुआ, बोले जत क्षण देखिला चरण तुम्हार, जितना समय तुम्हारी चरण का दर्शन हुआ, साधु दर्शन हुआ है, तब उतना समय हमारी गया यात्रा उतना समय सार्थकता हुआ। इसलिए इसको पहले महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने पितृ पुरुष को उद्देश्य में पिंड दिया है, महाप्रभु ने पिंड दिया है। बोले ब्रह्म कुंड में महाप्रभु ने स्नान किया है, गया तीर्थ में जाकर के नमस्कार किया,
पितृ अर्चन किया महाप्रभु ने, उसको बाद में महाप्रभु ने सख्यात उन्होंने गदाधर पाद पद्म को, भगवान की पाद पद्म को उन्होंने दर्शन किया, देखा कैसे ब्राह्मण लोग वहां पर खड़े होकर के ब्रह्मा सब अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, सबके सब बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भगवान की चरण की महिमा को गान कर रहे थे, हैं महिमा गान कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कैसे इसको सुना, सब कुछ सुनने का बाद, सब कुछ होने का बाद, हैं जब श्री दैव इच्छा दैव जो के ईश्वर पुरी सही खणे आइलेन ईश्वर इच्छा सही स्थाने, हैं जब श्री ईश्वर पुरी दैव इच्छा से जब वहां पर आए, जब उन्होंने अपना गुरुजी का दर्शन उन्होंने किया, तब तो महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले गया यात्रा सफल हुआ, आज हमारे गया ना हमारी सार्थकता हो गया। बोले क्यों सार्थकता हो गया, क्योंकि आज अपना गुरुजी के चरण कमल हमें दर्शन, साधु का दर्शन मिला। तो यहाँ पर महाप्रभु क्या कहते, प्रभुपाद यहाँ टीका में कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जर जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कहते ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते, ब्रह्मांड माने कभी राजा कर्म का फल से कभी राजा बने, कभी प्रजा, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी कीट, कभी मकोड़े, कभी स्वर्ग में, हैं ऐसे ही हम अनादिकाल से भगवत बहिर्मुख होकर के 14 ब्रह्मांड और 84 लाख जन में हम भटक रहे हैं। भटकते भटकते कहते उसमें जान और अनजान में क्या हो रहा है, हमारी जो भक्ति उन्मुख सुकृति जान और अनजान में ये बन रहा है। कहते ये सौभाग्य जीव की जो परम सौभाग्य का प्राप्त होता है, हैं जीवन में साधु संग का मिलता है। कहते भवा अपवर्ग, बोला भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जनस्य तहिर अच्युत सत्समागम, सत्समागम जहिर बराबर से जाए तो रती। यहाँ पर कहते हैं भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जनस्य जीव, ये संसार में भटकते भटकते जीव को जब भगवत संसार से उधार होने का समय आता है तहीर अच्युत सत्समागम, तभी जीवन में साधु दर्शन तभी होता है, नहीं तो उसको पहले दर्शन साधु नहीं होता है। इसलिए बोले क्या बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इसलिए कहते भगवत दर्शन से भी भक्तों का दर्शन श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान हमें कुछ बात बोलते नहीं, जगन्नाथ हमें कुछ बोलते हैं, बलदेव कुछ बोलते हैं, वो चुपचाप बैठे चुपचाप खड़े हैं, वो कुछ हमसे कोई बात ही नहीं करते हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ में कौन बात करते हैं, वैष्णव लोग बात करते हैं हमारे साथ में, भक्त लोग बात करते हैं। इसलिए कहते भगवत दर्शन से भी भक्त जो दर्शन है उसका ज्यादा महत्व, उसकी ज्यादा महत्व उसकी है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद इसी विषय पर बहुत बड़ी टीका यहाँ पर लिखते हैं, महाप्रभु इसको द्वारा महाप्रभु क्या शिक्षा प्रदान करते हैं इसको द्वारा। इसलिए कहते इसलिए कहते सौभाग्य क्रमे भक्ति बीज लाभेर आकर गुरु दर्शन मिले, इसलिए किसी सौभाग्यवान जीव का गुरु जी का दर्शन मिलता है, क्योंकि उनसे भक्ति लता रूपी बीज जो उसको प्राप्त होता है। इसलिए विश्वनाथ चौटाला कहते हैं भैया साधु संघ की इतने महिमा क्यों बताए, कारण क्या है, क्यों बताए साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र कहे और लव मात्र साधु संघे सर्व सिद्धि है, हैं तुलयाम लवना भी न स्वर्ग ना अपनर्भव। इसलिए कहते साधु संघ की इतने महिमा क्यों, कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, जिस समय लंकनी लंका में जिस समय हनुमान लंका में प्रवेश करना चाह रहा था, तब वो सोच रहे थे स्त्री से लड़ झगड़ कर क्या लाभ है, अपना काम बनाना ये बुद्धिमान का काम है। हनुमान जी ने छोटे रूप बन गया है, एकदम छोटे बन करके अंदर में घुसना चाह रहा था, इतने में लंकिनी का नजर बोला ए बंदर तू कौन हो, लंकिनी की आंख में धूल झोंकना चाह रहे हो,
बता तू कौन हो। हनुमान जी ने देखा ये तो रास्ता छोड़ेगी नहीं, मैं सोच रहा था अपना काम बना ले। इतने में हनुमान विशाल रूप धारण किया, विशाल रूप धारण करके मारे एक मुक्का, एक मुक्का से उन्होंने छक्का छुड़ा दिया, मुंह से खून की उल्टी होने लग गई है, चक्कर दिमाग में चक्कर आ गया। फिर बोली आप कौन हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मेरे को बताया था जब कोई बंदर आए और तेरे को एक मुक्का मारे उससे तू बेहोश हो जाओगे, फिर पता चलना ये लंका ध्वंस होने वाला है। ब्रह्मा जी ये बोले थे, इसलिए है ये लंका अभी ध्वंस होने वाला है, लेकिन इसकी साधु संग, कहते साधु का दर्शन मात्र कल्याण होता है, लेकिन साधु अगर थप्पड़ भी मारते है ना उससे ज्यादा कल्याण होता है। साधु अगर थप्पड़ मारे, जिसको थप्पड़ मारे उससे ज्यादा कल्याण है। इसलिए साधु का जो शासन है ना, हमारे जो भक्त रंजन सागर महाराज, अभी मंदिर का मंदिर का ये कौन है, हमारे मंदिर का ये है आचार्य है, और प्रेसिडेंट आचार्य है। एक समय कभी गुरुदेव उनको डंडे मारकर डंडे तोड़ दिए थे, उनको डंडे मारकर डंडे तोड़ दिए थे। तब सागर महाराज कहते हैं गुरुदेव ने मेरे को मारे थे ना, डंडे तोड़ दिए थे, तब भी आज मैं मंदिर में उनकी कृपा से ही अभी तक ये साधु जीवन मेरा बीत रहा है। साधु जीवन हमें अभी तक इसीलिए कि गुरुदेव ने हमने शासन किया है, गुरुदेव का शासन ही जीव का कल्याण, गुरुदेव का प्रशंसा जितने कल्याण है उससे ज्यादा कल्याण किसना शासन में। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं तबे लाथी मारतार सिर रूपर है, लाथी मारतार सिर रूपर, इतो परिहार जो पापी निंदा करे। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर अपना गुरु जी नित्यानंद प्रभु की बहुत महिमा बताए, इतने महिमा नित्यानंद प्रभु को बताए हैं, बताते बताते लास्ट में कहते हैं इतने मैंने अपना गुरु जी की महिमा मैंने इतना बताया। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। इतना मैंने महिमा मैंने बताया गुरु जी को, लेकिन इतना महिमा बताने का बावजूद भी अगर कोई मेरे गुरु जी नित्यानंद प्रभु का निंदा करते हैं, कहते तबे लाथी मारता रे सिर पर, मैं उसका सर पर लात मारता। फिर प्रश्न किया इसे ये कोई साधु का वाणी है, साधु कभी लात मारते हैं? हैं? कहते लात मारता रे सिर पर, साधु कहीं लात मारते हैं? तब प्रभुपाद कहते भैया साधुओं का लात करना साधारण बात नहीं, बड़े भाग्य से साधुओं का लात बड़े भाग्य से मिलता है, हैं? इसलिए सिंह द्वार पड़े बेत बाड़ी भाजते पातक जाय छाड़ी करना, सिंह द्वार पड़े बेत बाड़ी भाजते पातक जाय छाड़ी है। इसलिए जिसको पर गुरु वैष्णव का शासन हो जाए और थप्पड़ पड़ जाए ना, समझो उसका उधार है, उसका उधार है। तो प्रभुपाद कहते हैं नित्यानंद प्रभु का लात खाना ये कोई साधारण बात है, नित्यानंद प्रभु सख्यात बलदेव है जिसको लात मारे है वो कोई साधारण बात है, बड़े भाग्य से कहीं यदि हईता आमी क्या वैष्णव घरे कुकुर उच्चिष्ट दिया ताराय तो वैष्णव ठाकुर। इसलिए वैष्णव घर में अगर कुत्ते बन करके जन्म होते तो वैष्णव क्या करते हैं, अपना ठाकुर को प्रसाद मिला, प्रसाद को वैष्णव लोग पाए, फिर प्रसाद को कुत्ते को मिलता है, वो कितने सौभाग्यवान है, कुत्ता कितने सौभाग्यवान कुत्ता है। इसलिए जो जितने वैष्णव का डंडा जिसको पड़े, वैष्णव का जितने शासन अनुशासन पड़े, समझो जैसे लोहे को, लोहे कैसे लोग काटता है देखो, लोहार क्या करता है, पहले आग में देगा एकदम तुम लाल हो जाएगा ना, फिर निकालेगा खूब पीटेगा, पीट पीट खाद निकल जाएगा, फिर पानी में देगा, पानी में देगा, फिर लाएगा फाट, फिर आग में देगा, आग में तो लाल हो जाएगा ना, फिर निकालेगा, फिर पीटेगा, पीट पीट करके जितने उसे खाद निकालते निकालते वो ऐसे बनता है ना, वो ऐसे बन जाते हैं, लोहे लोहे को काट डालता है, लोहे लोहे को काट डालता है। इसलिए अगर हमें कभी वैष्णव लोग शासन करे क्या समझनी चाहिए, हमारा भाग्य बदल गया, हमारी जीवन सुधर गया, खुश होनी चाहिए, उसमें दुखी नहीं होनी चाहिए। अरे हमको वैष्णव लोग गुरु जी हमें ऐसे बोले, हम क्या साधारण व्यक्ति है, घर के हमारा खाना नहीं मिल रहा था, हम यहाँ पर आए थे, हमारे घर में किसी चीज कमी नहीं, रखो ये माला झोली रखो हम जा रहे हैं, माला झोली रखो हमें
यहाँ से जा रहा हूँ, नहीं, इसलिए बल्कि सौभाग्यवान नहीं चाहिए है। जब श्री नित्यानंद प्रभु है वो बोल दिया ना, किसको बोल दिया, शिवानंद सेन को है, बोले कहाँ हमारे घर है, कहाँ तुमने व्यवस्था किया हमारे घर की बताओ, बोले अभी देखता, बोले अभी देखता हूँ, जहां तुम्हारे वंश नाश हो जाए। उनकी शिवानंद प्रभु का पत्नी तो रोने लग गई, क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु बोल दे तुम्हारी संसार ध्वंस हो जाए है, फिर तो बेटा मर जाए तो बेटा मर ही जाएगा। उसको पति ने कहा क्यों पागली क्यों रो रहे हो, बोले ऐसे नित्यानंद प्रभु बोल दिए ऐसे, बोले पागली संसार को नाश है, संसार को नाश करने के लिए तो हम भजन कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, आर कब नीताई चांदे करुणा हरे संसार बसना मोर कब तो चहवे विषय छरिया कबे सोत हवे माना कबे हमारे अब श्री वृंदावन। नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते, आर कवि निताय चांदेर करुणा हईवे संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे। जब तक बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हो, ये संसार का वासना नहीं हृदय से जाता है, है? इसलिए वैष्णव का शासन बड़े भाग्य से वैष्णव का हमें शासन मिलता है। इसलिए यहाँ पर है, यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इतना बात क्यों बताया, हनुमान हनुमान, इसलिए जब हनुमान जी लंकनी को जब एक मुक्का मारी, हाँ कहते वैष्णव का कहते दर्शन में तो कल्याण होता ही है, लेकिन अगर वैष्णव का अगर किसको थप्पड़ मार दिया ना, देखो वैष्णव का थप्पड़ भी कितने कल्याणदायी, केवल हनुमान के एक मुक्के से एक तो हनुमान का दर्शन हुआ, वैष्णव दर्शन, फिर उसका थप्पड़ लगा, मुक्का लगा, उसको ज्ञान उदय हो गया। इसलिए वो साधु संघ की महिमा कह रही है, बोले तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तुलना ना ही सकल मिली जो लव साधु संघ। वो कहती है कि तराजू लो, तराजू का एक तरफ में कहते स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो आनंद है, भूर भुव मोह जन तप सत्य, उसको ऊपर में मुक्ति लोक इसका आनंद को एक तराजू का एक तरफ में धर दो, तराजू का दूसरे तरफ में साधु संघ का जो एक लव का फल धर दो, कहते इसको सब मिलकर के भी एक लव साधु संघ को साथ में स्वर्ग अपवर्ग का सुख बराबर नहीं कर सकते हो, इतने साधु संघ की महिमा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद ये यहाँ पर कह रहे हैं, कहते यहाँ पर कह रहे हैं भैया साधु संघ की ऐसे क्या महत्व है, क्यों इतने साधु संघ की इतना थोड़ी सी समय की इतना महिमा क्यों बताए, तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कारण है साधु संघ से ही है, एक लव साधु संघ से ही क्या होता है, कहते भक्ति लता का जो बीज है वो बीज जो श्रद्धा है ना वो कहाँ से मिलता है, साधु संघ से, ये और कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि लता को कहते भक्ति को एक लता को साथ में उदाहरण दिया, लेकिन जब तक तो उसका बीज नहीं होगा लता कहाँ से होगा, बीज तो चाहिए तो लता बढ़ेगी ना, नहीं तो बढ़ेगी नहीं, लता होगी नहीं, लेकिन वो बीज क्या है, बोले साधु संग है, इसलिए सतांग प्रसंगात मम विरज संविदो, इसलिए भगवान के बोले माँ मेरे भक्तों का संग करो है, संग से क्या होगा, श्रद्धा रति भक्ति अनुकर्मशति, श्रद्धा रति और धीरे धीरे भक्ति प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु यहाँ पर क्या शिक्षा दिया है, है? इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मन तो तीर्थ सदा रहता, बोले मन तो हर समय चाहे तो तीर्थ जाओ, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवत्या द्वारावती है, तुम्ही चाहो भ्रमी बारे ऐसा गल बारे बारे मुक्ति लाभ तारी करीवार तारे, तुम ये चाहते हो सारे तीर्थ अगर हम भ्रमण कर लिया ना हमारे मुक्ति हो जाएगी, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, ये सकल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम चित स्थिर
तीर्थ नहीं करे, तुम्हारे अंदर भ्रम हो गया, शायद ये तीर्थ घूमने से मुक्ति हो जाएगी, हैं? तीर्थ भवन से मुक्ति हो जाएगी, भ्रम है ये मन स्थिरता तीर्थ भ्रमण करने से नहीं होता, बल्कि मन ज्यादा चंचल होता है, जो ज्यादा घूमते है ना, पूछ लो, वहां गई वहां जानी चाहिए, वहां जाए वहां करनी चाहिए, वहां गई वहां ऐसे घूमता रहता है, इसलिए ये मन को ज्यादा नहीं घुमानी चाहिए, यहाँ वहां वहां ज्यादा घूमने नहीं चाहिए, फिर क्या होगा, बस ये आदत बन जाएगी, फिर एक जगह पर तुम्हारी मन नहीं लगेगा, ठाकुर का सेवा भजन में भक्ति में नहीं लगेगा, हैं? इसलिए क्या कर बोले, स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता मतलब है वहीं पर रहो जहां पर वैष्णव का संघ है, वैष्णव का गुरु जी की संघ हरि कथा, जहां पर मेन जहां पर हरि कथा मिले वहीं पर हमें रहनी चाहिए, सबसे ज्यादा वहीं हरि कथा में रहनी चाहिए, है? इसलिए जहां पर भक्तों के मुंह से कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जहां पर बहती है उसमें स्नान करते रहो, हैं? स्नान करते रहो, इसलिए विनोद कहिए भाई भ्रमिया की लाभ पाई, वैष्णव सेवन मोर प्रथम, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भैया भ्रमण करें कोई लाभ नहीं, क्या करो, वैष्णव सेवन मोर व्रत, हमारी व्रत क्या है, गुरु वैष्णव का सेवा ही जीवन हमारी, यही व्रत हो जाए बस, इससे कल्याण हो जाए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तीर्थ तीर्थ पिंड दिले निस्तर पितृगण, तीर्थ पिंड देने से क्या होगा, पितृगण का क्या निस्तार होगा, थोड़ी सी उनकी पापी नष्ट और कुछ नहीं होता है, पिंड देने से केवल उसका थोड़ी पाप नष्ट होता है और कुछ नहीं होता है, हैं? लेकिन सही जा रहे पिंड दे तरे सही जान, वो जिसकी उद्देश्य में पिंड देता है केवल उसका ही कल्याण होगा, सबको कल्याण नहीं, लेकिन तो माँ दर्शन मात्रे कुटी पितृगण सही खाने भववंत पाए विमोचन, लेकिन जब किसी शुद्ध वैष्णव का दर्शन हमारी हो जाता है ना, दर्शन मतलब क्या, कभी देखना किसी वैष्णव का दर्शन मतलब क्या है, दर्शन मतलब दर्शन कभी देख ले नहीं, उसका आदेश को पालन करना, वो जिस रस में डूबे हुए हैं, जिस भक्ति रस में वो सराबर हुए हैं, दर्शन तभी उसको कहते हैं जब उनकी उपदेश को हम जीवन में उतारे, हैं? उसको कहते हैं दर्शन, नहीं तो केवल दर्शन कर लिया प्रणाम कर लिया है उसमें होगा, लेकिन वास्तव दर्शन वास्तव संग क्या है, जब उनका आदेश उपदेश को अपना जीवन में हम उतारेंगे फिर क्या होगा, बस त्रिकोणिकुलर है श्री वैकुंठवास, जब वैष्णव दर्शन हो जाएगा, जब वास्तव रूप में उनको उपदेश को पालन करते हुए भगवान की भक्ति करेंगे क्या होगा, तुम्हारी तीन करोड़ पूर्वजों का उदाहरण, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते तुम्हार दर्शन मात्र कोटि पितृगण, एक पितृगण ने बोले कोटि पितृगण सही खड़े भवबंध पाए विमोचन, उसी समय में ही सारे भव बंधन मुक्त हो जाती है, बोले अतएव तीर्थ न है तुम्हारे समान, तीर्थर तीर्थ तुम्हें परम महान, अतएव आपको साथ में तीर्थों का बराबर नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लोक देते हैं, यहाँ पर कहते हैं संसार समुद्र है ते उधार हो मोरे यही आमी देह समर्पिलो जी तुम्हारे, हे गुरुदेव आपका चरण में हम समर्पण हो रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं, क्या करो, कहते हैं संसार समुद्र से हमें निस्तार करो, कल्याण करो, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भगवत दिधा भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्बात तीर्थानि शांतस्तेना, देखो तुम लोग श्लोक याद क्या सब काम में आ रहा है कि नहीं, आ रहे ना सारे श्लोक, इसलिए एक एक श्लोक नहीं, ये एक एक श्लोक नहीं, क्या है एक आटम बोम है, ये क्या आटम बोम है, सबके सब एक एक श्लोक नहीं, हाँ इसलिए यहाँ पर कहते हैं तीर्थ कुर्बंध तीर्थानि शांतस्थान, इसलिए वैष्णव हैं, अतः वैष्णव कहते हैं, इसलिए तीर्थ में वैष्णव लोग जाते हैं तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए, क्यों, जब इनकी चरण स्पर्श जब तीर्थ में होता है तीर्थ का सारे पाप को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कल्याणकारी भगवत प्रकाश विग्रह गुरु, कहते श्री गुरुदेव कौन है, ये गुरुदेव कौन है, कहते भगवत प्रकाश, यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास तथा भी जानिए हमें तहार प्रकाश, इसमें कह रहे हैं
कहते ईश्वर कौन है? अकेला ईश्वर कृष्ण सवतार वृत्त, जगत में ईश्वर केवल कृष्ण ही, कृष्ण ही एक ईश्वर, और जगत में सबके सब उनकी वृत्तियां है। साक्षात बलदेव प्रभु क्या कर रहे? 10 शरीर से उनकी सेवा कर रहे, अभिन्न प्रकाश। राधा रानी है, राधा रानी अभिन्न प्रकाश है, है? जो राधा सापी कृष्ण, जो राधा कृष्ण है बस वही राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, लेकिन होते हुए भी राधा रानी क्या कर रहे? उनका नाम राधा, मतलब क्या? भगवान को, कृष्ण को जो विशेष पूर्वक आराधना करती है। केवल ईश्वर एकमात्र श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी और सबके सब उनकी दास। देखो दरवाजा खुले, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री ताऊ भैया की, बोले श्री सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की। इसलिए अकेला ईश्वर कृष्ण और सब उसका दास है। इसलिए इसी दृष्टि से क्या हमारे गुरुदेव कौन हुए? गुरुदेव कौन हुए? भगवान के दास हुए, भगवान की दास हुए। लेकिन यह दास तो है, लेकिन एक शिष्य गुरु जी को क्या समझते हैं? बोले तथा भी जानिए आमी तहार प्रकाश। एक शिष्य का कर्तव्य है, गुरु जी को क्या समझना चाहिए? भगवत अभिन्न प्रकाश, अभिन्न प्रकाश। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास है, लेकिन एक शिष्य के लिए भगवत अभिन्न स्वरूप उनको माननी चाहिए। इसलिए कहते अभिन्न गुरुपात्म प्रकाश। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर जो टीका में प्रभुपाद कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ क्या है? कहते अभिधेय तत्व। इसलिए श्री रूप गोस्वामी विशेषकर तीन, उनका जितने सारे ग्रंथ विशेषकर उसमें एक में संबंध तत्व का स्थापन किया, दूसरे में अभिधेय तत्व का, तीसरे ग्रंथ में उन्होंने प्रयोजन। कहते संबंध तत्व कौन सा ग्रंथ में प्रकाशित किया है? कौन सा ग्रंथ है? कहते श्री लघु भागवतामृत है। लघु भागवतामृत ग्रंथ में उन्होंने कृष्ण ही परम तत्व है। उन्होंने कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने कृष्ण की पर तत्व को वहां पर स्थापन किया। उन्होंने जो उदाहरण दिया है ना रूप गोस्वामी, कृष्ण को ही हम पर तत्व क्यों माने, ये स्वयं भगवान क्यों, उन्होंने अद्भुत रूप में वो ग्रंथ में विवेचना किया। अभिधेय तत्व उन्होंने कहती है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, उन्होंने अभिधेय तत्व को उन्होंने वर्णना किया। अभिधेय मतलब भगवत प्राप्ति का क्या उपाय, और जो प्रयोजन जो तत्व ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है? कहते श्री उज्ज्वल नीलमणि, इसी ग्रंथ में उन्होंने प्रयोजन तत्व को उन्होंने व्याख्या किया है। इसलिए ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में वो अभिधेय ग्रंथ तत्व है, हैं? और हमारे अभिधेय आचार्य कौन है? अभिधेय ग्रंथ तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, लेकिन अभिधेय आचार्य कौन? श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी। इसलिए कहते इन्होंने भगवत प्राप्ति कैसे होगा, वहां पर जो उन्होंने 64 भक्ति का अंग बताए, सबसे पहला क्या है उन्होंने क्या बताए हैं? सबसे पहले उन्होंने बताए सर्वप्रथम गुरु पदाश्रय। भक्ति जगत में प्रवेश करने का सबसे पहला श्री गुरु पदाश्रय। इसलिए कहते गुरु तस्मात कृष्ण दीक्षा शिक्षादि शिक्षण, जब गुरु जी की चरण में हम आश्रय ग्रहण करते हैं, उसको बाद में फिर दीक्षा आदि प्राप्त करके फिर भक्ति की बात को शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको बाद में विश्रवण गुरु सेवा, फिर विश्रमता पूर्वक श्री गुरु जी की सेवा, फिर साधु वर्तमान वर्तनम वर्तमनम, फिर तस्मात गुरु प्रपद्यत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्म निप समाश्रयम बदन ध्यान। उसके बाद में तद विज्ञानार्थम स गुरमाभिगच्छे समीत पाणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे गुरु जी के चरण में जाकर के आश्रय ग्रहण करते हुए फिर भगवत भक्ति में प्रवेश करनी चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु जो अपना गुरु जी ईश्वरपुरी को साथ में उन्होंने भेंट किया, क्यों महाप्रभु कहते हैं आज हमारी गया ना सार्थकता हो गया, क्यों आज श्री गुरु जी का हमें दर्शन प्राप्त हुआ? यही कारण है भगवत भक्ति जगत में प्रवेश करने का जो मूल द्वार है श्री गुरु चरणाश्रय, इसको बाद में धीरे धीरे भक्ति जगत में प्रवेश करना। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ने ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये बात को बताई।
बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हाँ हरे कृष्णा। कल है, क्या है कल? नरसिंह चतुर्दशी। जो लोग श्रवण कर रहे हो नरसिंह चतुर्दशी, इसलिए कल महाराज जी अब सवेरे कथा करेंगे नरसिंह भगवान की। हाँ इसलिए कल हमारे श्री बोधायन महाराज जी सवेरे कितने बजे? 8:30 तक नरसिंह भगवान की कथा करेंगे, और शाम को हम लोग यहाँ 4 बजे बैठेंगे। 4 बजे यहाँ पर बैठेंगे। अब आप लोग कोशिश करना थोड़ी थोड़ी उनकी बाहर में बताने के लिए, आप भी बोलना, तुम भी बोलना, तैयारी होकर आना। तय मध्य ठीक है कही वो, ठीक है जी। हाँ कोशिश करना थोड़ी थोड़ी बोलने के लिए, जो उनका शिक्षा है, उनका जीवन चरित्र में क्या चीज़ है, हैं, इसको थोड़ी थोड़ी बोलना। और जब ठीक एकदम शाम का समय होगा, जिस समय नरसिंह देव प्रकट होंगे, मैं थोड़ी समय उस समय थोड़ी सी कथा सुना दूंगा। और कल नरसिंह भगवान की अभिषेक होगा, इसलिए कल आप लोग जो लोग ऑनलाइन में दर्शन कर रहे हैं, कल जब श्री नरसिंह देव का प्रकट होगा, भगवान नरसिंह देव का अभिषेक भी कल आप लोग दर्शन करना है इसे। और उसको बाद में कल हो सके जो लोग रह सकते हैं व्रत, कल पूरा के पूरा सारा दिन सबके सब व्रत रखना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। और शाम को जब श्री नरसिंह भगवान की अभिषेक हो जाएगी, फिर चरणामृत को लेकर के फिर फलाहार जैसे करते फलाहार करना। लेकिन जिनको रहा नहीं जाएगा, भूखे में नहीं रह सकते हो, आप लोग थोड़ा जूस ले सकते हो, थोड़ा फल ले सकते हो। लेकिन अगर रह सकते हो शाम तक सबसे बहुत बढ़िया है, इसलिए जो रह सकते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए व्रत संपूर्ण रूप में रखनी चाहिए। जो रोगी व्यक्ति उनके लिए अलग बात है। बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसमें एक फोन में कोई फोन आया था, देखिए। जय जय राधा जगन्नाथ। ए जगन्नाथ दर्शन कर ले, ठीक है दर्शन कर ले। जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय
गौरव भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंद देव हरि।